ये अच्छी चीज है, ये ठीक है ना? बोध का बात समझ में आ गया। हमको बोध होने के बारे में अस्तित्व में वस्तु के रूप में होना है, शब्द कोई बोध नहीं है। वो तो ठीक है, शब्द बोध होता ही नहीं, शब्द को तो बोलना सीखा जाता है, बोला जाता है, ठीक है, उसी को हम विद्वता मानते रहे। हमारा वेद विचार के अनुसार वेद को सुनना और बोलना और क्या कहते हैं उसमें पारंगत होना बोलने में, और दोनों को सुनाना, उसको वेद मूर्ति कहते रहे, उसमें हम राजे नहीं हुए। इतना ही बात। तो जैसे आप कोई शब्द हमको बताते हैं तो हम एक कल्पना करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं उसके अर्थ के बारे में। उसके लिए परिभाषा संहिता दे दी है ना रे? नहीं, वो भी ठीक है, तो फिर क्या है? वो परिभाषा भी तो हमको कल्पना करने में, अनुमान लगाने में ही सहायक है ना। वही है। हाँ। वही आप पे, आप ही समझोगे उसका मतलब, वही है। ठीक है। और दूसरा किताब समझना, किताब समझता नहीं, वो तो ठीक है बाबा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम ये कैसे जांच करें कि जो आप कह रहे थे या जो आपने देखा था वही हमको भी दिखा है। मेरा कहना है मैंने जो देखा समझा उसको हम प्रकट किए। ठीक बात। अब रह गया आपको उससे यदि आपका सभी समस्याएं दूर होता है बहुत बढ़िया, यदि नहीं होता है तो आप अनुसंधान कर लेना। ऐसे तो लिखे नहीं तो समस्याएं जैसे आप कह रहे हैं दूर होता है, तो जैसे कोई एक बिंदु है कि सत्ता पारगामी है, मान लीजिए एक बिंदु है, वही तो सत्ता कैसा है, क्यों है, उसका उत्तर में लिखा है। नहीं तो इससे हमारी कोई समस्या दूर होती हो ऐसा तो आधार बनता है ना, वह सोचने का, सोचने का आधार। क्या मतलब? नहीं समझा। सारे वस्तु ऊर्जित है इस बात को समझने के लिए आधार बनता है। सत्ता पारगामी होने से संपूर्ण जड़ चैतन्य प्रकृति ऊर्जा संपन्न क्रियाशील है, है ना? जड़ प्रकृति को बताया श्रम गति परिणाम रूप में काम कर रहा है, चैतन्य प्रकृति में मानव ज्ञान रूप में काम कर रहा है, सोच विचार से लेकर कल्पना से लेकर लेकर ज्ञान तक पहुंचता। इतना ही बात है, छोटी सी बात, उसका आधार वही ऊर्जा संपन्नता है। ये करता आधार को और थोड़ा बताएं बा विस्तार में, जो आप कह रहे हैं आधार वही माने सह अस्तित्व पूर्ण आधार है अध्ययन का, उसको अपन कैसा इसको अनदेखी करके भाग रहे हैं समझ में नहीं है। सह अस्तित्व अध्ययन का आधार सह अस्तित्व। सह अस्तित्व में चार अवस्था है, इन चारों अवस्था का आधार सह अस्तित्व। सह अस्तित्व प्रकटनशील पदार्थ अवस्था से, प्राण प्राण अवस्था से, जीव जीव अवस्था से, ज्ञान अवस्था के रूप में प्रकट है, वो सह अस्तित्व ही। इसमें मनुष्य का कुछ लेन देन नहीं, प्रकट होने के पश्चात अब मनुष्य की लेन देन आता है, मनुष्य के साथ और मनुष्य प्रकृति के साथ, उसमें उसका अध्ययन कर रहा है। मनुष्य के साथ सह अस्तित्व विधि से क्या लेन देन है और मनुष्येतर प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के साथ साथ क्या लेन देन है, उसको स्पष्ट कर रहा है। कई के लिए अपराध से मुक्त हो जाए, भ्रम से मुक्त हो जाए, इतना ही बात। अपराध के बिना तो कोई आदमी बचा नहीं है, धरती पर आदमी जा तो एक भी नहीं बचा, और अपराध में भागीदारी कर गए उससे बचा जाए। क्यों बचा जाए? धरती बीमार हो गया, धरती के साथ अपराध मुक्ति होने की बात ही, धरती सुधरेगा नहीं सुधरेगा देखा जा सकता, ये कहा। कन्वेंशनल प्रोग्राम ऐसे चला। इंटीमेशन हो। हाँ।